नमस्कार, बोकारो सिल्क की वीडियो समाचार पत्रिका बोकारो दर्पण के संग में आपका स्वागत है। एक नजर आज के खास समाचारों पर। बीएसएल का पर्यावरण सम्मत वेस्ट टू वेल्थ की दिशा में नवीन पहल। 22 जुलाई को बोकारो सिल्क प्लांट के कोकोवन में टार डिकेंटर स्लज के मिक्सिंग स्टेशन का उद्घाटन अधिशासी निदेशक संकार श्री बी के तिवारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक पीपीसी एवं एससी तथा प्रभारी सेवाएं श्री अनिल कुमार, मुख्य महाप्रबंधक यांत्रिकी श्री वी के सिंह, मुख्य महाप्रबंधक सीओ एवं बीपीपी श्री राकेश कुमार, महाप्रबंधक ईसीडी श्री एनपी श्रीवास्तव सहित कोक ओवन एवं बाई प्रोडक्ट विभाग तथा ईसीडी विभाग के अन्य वरीय अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। श्री बी के तिवारी ने वेस्ट को वेल्थ में परिवर्तित करने के लिए सीओ एवं बीपीपी तथा ईसीडी के अधिकारियों तथा कर्मियों के प्रयासों की सराहना करते हुए अन्य विभागों से भी इसी तरह वेस्ट के उपयोग करने का संदेश दिया। उल्लेखनीय है कि टार डिकेंटर स्लज एक स्टिकी हैजार्ड वेस्ट है जो कोक ओवन की बैटरियों में कार्बोनाइजेशन के दौरान उत्पादित कोक ओवन गैस से टार के सेपरेशन से बाई प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न होता है। विगत कई सालों तक टीडीएस बाई प्रोडक्ट प्लांट के पास हैजार्ड वेस्ट पिट में भेजा जाता रहा। टीडीएस के गुणों को ध्यान में रखते हुए मुख्य महाप्रबंधक कोक ओवन श्री राकेश कुमार एवं महाप्रबंधक कोक ओवन श्री आर एन प्रधान ने कम लागत के साथ उच्च मूल्य के उत्पाद बनाने के लिए फीड स्टॉक के रूप में कोक ओवन बैटरी से चार्ज किए गए कोल के लिए टार डिकेंटर स्लज के उपयोग की योजना बनाई। इस योजना के तहत आवश्यक बुनियादी ढांचा तथा अन्य उपकरण आंतरिक संसाधनों से विकसित किया गया। ब्लेंडेड कोल का बेड बनाने के बाद जेसीबी पे लोडर की सहायता से ब्लेंडेड कोल के साथ स्लज को मिश्रित किया जाता है और इसके बाद इस सूखे मिश्रण को इनहाउस विकसित कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कोल हैंडलिंग प्लांट के फीडिंग सर्किट में स्थानांतरित किया जाता है। इस योजना के लागू हो जाने से ब्लेंडेड कोकिंग कोल की कम खपत और हैजार्ड वेस्ट के पिट में टीडीएस के निपटान के माध्यम से लगभग 5.67 करोड़ रुपए सालाना बचत होने की संभावना है। साथ ही यह प्रयास पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल है। इसके साथ ही वीडियो समाचार पत्रिका बोकारो दर्पण का यह अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।